नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के फर्नीचर में। मैं आपका दोस्त अश्विनी विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ स्टडी टेबल। तो फ्रेंड्स, आप इसे स्टडी टेबल में यूज ले सकते हैं या कैश काउंटर में यूज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ब्राउन कलर का माइका लगा हुआ है और इसमें प्रोफाइल हैंडल लगी हुई है। और फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला हमारा ड्रॉवर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंदर इसमें वाइट कलर का माइका लगाया गया है और बाहर प्रोफाइल हैंडल लगाई गई है। स्टील फिनिश का है फ्रेंड्स, और इसमें सादा चैनल लगाया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ड्रॉवर बहुत छोटा है, 10 इंच गहरा बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हमारा दूसरा ड्रॉवर है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि धार पर भी और अंदर भी टोटल वाइट माइका लगाया गया है। और फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे वाला डोर है। जैसा कि आप लोग इसमें अपना सामान रख सकते हैं, बुक वगैरह, या तो फ्रेंड्स आप इसे कैश काउंटर में भी यूज ले सकते हैं। और इसमें ऑटो इंजेक्शन जगह लगाया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो माइका लगा हुआ है अंदर वाइट है और ऊपर ब्राउन कलर का माइका लगाया गया है। तो और फ्रेंड्स, इसमें प्रोफाइल हैंडल लगाई गई है जो कि स्टील फिनिश है और मैट फिनिश में भी आती है फ्रेंड्स। जैसा आप चाहें वैसा लगवा सकते हैं फ्रेंड्स। इसका लुक इस हैंडल से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैश काउंटर में यूज ले सकते हैं, स्टडी टेबल में यूज ले सकते हैं और इसको कंप्यूटर टेबल में भी यूज ले सकते हैं फ्रेंड्स। उस हिसाब से ये बनाया गया है। और फ्रेंड्स, ये किचन के सर्विस टेबल में भी आप लोग यूज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई 40 इंची दो डोरा है और 11.5 इंच है। और फ्रेंड्स, इसकी हाइट जो है 32.5 इंच है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी हाइट 32.5 इंच है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई बहुत कम की गई है क्योंकि जहाँ पर इसे रखना है वहाँ पर जगह बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आप इसका टॉप जो है और चौड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी जो टॉप है उसकी चौड़ाई बहुत कम की गई है, इसलिए की गई है कि जगह बहुत कम है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी देनी हो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएँ फ्रेंड्स। धन्यवाद।